हेलो। हाँ मम्मी, मैं बर्तन धो रहा हूँ। अरे अरे, वो पिंकी को खाना खिलाने लाया था ना, तो पैसे कम पड़ गए, तो होटल वाले ना बर्तन मंजवा रहे हैं मेरे। हाँ बताओ, कभी घर में मांझा हूँ। अरे पिंकी कौन है? अरे आपके होने वाली बहू। अरे वही जो आई नहीं थी मोटी सी, वही पिंकी। हाँ अरे, एक भी बर्तन नहीं धो रही, मैं धो रहा हूँ सब बर्तन। अब पैसे भी लेके नहीं आती, भूखड़ खा ज्यादा लिए, मेरे पास पैसे कम थे, अब क्या करूं, बर्तन धोना पड़ रहा है मम्मी। अरे होटल वाला नहीं जाने देगा, बहुत सारा कढ़ाई वढ़ाई सब यहाँ है। अरे मोटी, कितना सारा खाली है, 1 रुपए 1 रुपए लेके नहीं आती मम्मा, ना खा के आती है ना कुछ, सब चीज खा गई, अब बर्तन धो रहा हूँ मैं। होटल वाला बोल रहा है 3 दिन तक बर्तन धोगे तब बिल कब होगा। हाँ? 1 हफ्ते में एक बार मिलती है, लेकिन 1 हफ्ते का बिल ले जाती है पूरे। चलो मैं बर्तन मांज के आऊंगा, ठीक है? पापा को मत बताना बर्तन मांज रहा हूँ मैं, ठीक है भैया? साबुन खत्म हो गया। ये भाई गुस्से में देख रहे हैं मेरे को, मेरे को निकलने दो। हेलो। अरे यार बाबू, तुम परेशान कर देती हो यार। अरे मैं रेलवे स्टेशन आया हूँ। हाँ अरे यार, बगल की बीवी का नाना मर गया है तो, अरे वो सीढ़ियों से गिर के मर गया, उसके श्राद्ध में जा रहे हैं हम। अरे वो इलाहाबाद जा रहे हैं ना। अरे रो रो के उसका बुरा हाल, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? पूरा ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़ों में हूँ मैं। मैं तुमसे हिम्मत बांध के बात कर रहा हूँ, मैं भी बहुत ही रो रहा हूँ अभी। छोटी बच्ची हो क्या तुम? अरे यार तू तो रोना रोना रो, एक सेकंड रोना रोना। अरे अरे वो रोता ही ऐसा है, हंस ले रहा है। हाँ उसका रोने का तरीका अलग है। अरे वो आवाज आ रहा है उसका, वही है मोटा, इसको भी ले जा रहे हैं ना। आएगा जाएगा का के इतना मोटा हो गया। अरे मॉल नहीं आया हूँ मैं, कौन है बताओ? नहीं नहीं, अरे बिल्कुल यकीन नहीं करता। कौन है कौन है कौन? अरे वही चुड़ैल है क्या? हाँ। अरे नहीं, अरे मैं कह रहा था बाबू, ये कॉल मतलब यहाँ पे नहीं आया है, ये मरे मेरी नानी मर गई है, तो मैं बता रहा हूँ भाई। अरे इसको बाबू, अरे यार अरे तुम रखो यार, यहाँ इतने लोग रोग आ रहे हैं, देख नहीं रहे हो? अब कैमरामैन भी रो रहा है। चलो चलो रहो। हाँ मम्मी। अरे नहीं आरती, शादी नहीं कर सकता मैं, कितनी मोटी है यार वो। हाँ? अरे वो हल्दीराम हलवाई की लड़की से मैं, वो मेरे साथ भागना चाहती है। अच्छा। हाँ तो मैं उसको भगा नहीं रहा अब अपनी। अरे वो क्या बताऊँ, उन लोग बहुत दहेज देंगे, माला माल हो जाएंगे हम लोग। हाँ पैसा ही पैसा होगा फिर, और मोटी को तो मैं उठा भी नहीं पाऊंगा, इतनी मोटी करके शादी करा रहे हो यार। कल नहीं से भाई। अरे इतनी मोटी लड़की है यार वो, पतली हो जाएगी, मेकअप भी बहुत करती है यार, उसका खर्चा बहुत है यार। कोई नहीं, मैं दे दूंगा, हिस्सा कर लेंगे। रूम क्या दे दोगे भाई? 50-50 रूम में। प्यारी समझ गई। अरे वो यीशु करूंगा बोल रहा है, यीशु से करा देना उसकी शादी, ठीक है? करोगे यीशु? अरे हल्दी आम हलवाई की जो लड़की है ना, वो समोसा भी बना लेती है, खाना भी बना लेती है, और पतली भी है, बढ़िया एकदम सेक्सी सी है। शादी करूंगा मम्मी में। अरे उस मोटी से नहीं करूंगा मैं, नहीं उठा पाऊंगा उसको। हाँ जोगिंदर। अरे मैं KGF मूवी देखने आया था, अबे उसने सनी देओल ने ना बोरिंग ऐसा उखाड़ा कि क्या बताऊं, एक ही बार में लाहौर से लेकर यहाँ तक भाई। ऋतिक रोशन का डांस तो देखना KGF में। हाँ मैं मूवी देख रहा हूँ अभी, सिनेमा में हूँ अंदर में, इसीलिए साउंड कम आ रहा होगा, एक्शन का आवाज आ रहा है ना, वही है वो। हाँ लोग हंस रहे हैं, काफी मजे ले रहे हैं, मूवी मजा आ रहा है, काफी फाइटिंग सीन है यार। हाँ हाँ ऋतिक रोशन ने डायरेक्ट किया है, ऐश्वर्या राय भी थी। हाँ मेरे बगल में ही बैठ के मूवी देखी उसने। हाँ मैं तो ऐश्वर्या राय के पास था भाई, जान पहचान है ना मेरी।
तेरे को नहीं पता, दिल्ली में हूँ, दिल्ली में गांव से चोरी करके आया था ना मैं, तो वो टिकट करके मैं प्लेन में बैठ गया था, इसीलिए दिल्ली आ गया। अरे चोरी किया था तेरे दुकान से ही तो, अभी बता रहा हूँ भाई। ऐश्वर्या राय से मिलना है? नहीं मिल पाएगा यार, ऐसे तैसे लोग थोड़ी मिलते हैं उससे, उसके लिए ऊँची पहुँच ऊँची पहचान चाहिए जो सिर्फ मेरे पास। ऐश्वर्या राय से बात करनी है भाई, ऐसे बोलना, ऐश्वर्या राय की आवाज़ निकाल के बात करनी। हेलो, हाँ बोलो, मेरा गला खराब हो गया, अन्य वैसे तो ठीक है। सुना सुना ऐश्वर्या राय का आवाज़ सुना? हाँ, अरे वो एक टोपी वाला है, मतलब वो क्या मतलब डिस्टर्ब करते हैं यार लोग मूवी के अंदर ही। हाँ, हर कोई घुस जा रहा है मूवी में, कोई भी मतलब कहीं से भी, मूवी हॉल में ही हूँ। हाँ